हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। टुडे अगेन आई एम प्रेजेंटिंग ए न्यू एंड लेटेस्ट सेशन फॉर यू लवली पीपल, लेट्स डू इट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे बैक से मैसी पिन बनाना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने गाइस क्या करना है, सारे बालों की, पूरे बालों की हमने क्या करानी है, मिड पोनी बना लेनी है। ये मिड पोनी के लिए अच्छे से सारे बालों को लेकर आएंगे, देन रबड़ बैंड से इसको टाइटली लॉक कर देंगे। अगर गाइज आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अब गाइज हमें क्या करना है, जो हमारे पोनी के बाल बचे होते हैं उसको नीड करेंगे, अच्छे से कॉम करेंगे, टेंगल फ्री करेंगे अपने हेयर्स को। टेंगल फ्री करने के बाद गाइज अब इसमें हम क्या बनाएंगे, बन बनाएंगे। इसमें आप आगे जो भी हेयर स्टाइल देना चाहते हो वो हेयर स्टाइल दे सकते हो। अब गाइज इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हमारी रबड़ बैंड है इसको पहले कवर करेंगे हम इसको, ताकि जो हमारा बन के ऊपर का वाला पार्ट है वो विजिबल ना हो। सो इसको हम पहले कवर अप करेंगे हल्की सी बैक कॉम की सेक्शन लेके, देन इसको राउंड 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 इसके रबड़ के ऊपर कवर अप कर देंगे, जैसे एक बैंड टाइप बना देंगे, जैसे हम स्लीक पोनी बनाते हैं। देखो गाइस हमारी वही वाली लुक आ गई है, स्लीक पोनी वाली। ये देखो गाइस हमने कर दिया ये। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, अब गाइज इसके हम नीचे डोनट लगाएंगे। हम डोनट लेंगे, डोनट लेने के बाद इसको नीचे लगाएंगे, बीच में इसके अंदर नहीं लगाना है, बीच में, ओ सॉरी, इसके नीचे लगाना है। ये ध्यान रखना आप, कभी आप उसके अंदर लगा दो। ये हम अच्छे से जुड़ा पिन से टाइटली लॉक कर देंगे डोनट को, क्योंकि हमारे पास बालों के अंदर नहीं है तो हम ज़्यादा पिंस लगाएंगे ताकि ये अच्छे से टाइट लॉक हो जाए, क्योंकि हमारा सारा हेयर स्टाइल इसी डोनट पे आएगा। सो हमें टाइटली इस पर काम करना है। अब गाइस हमें क्या करना है, जो हमारे जितने भी बाल बचे हैं इनको तीन पार्ट में डिवाइड करना है। थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इक्वल इक्वल सेक्शन लेंगे। इक्वल इक्वल सेक्शन लेने के बाद हम थ्री पार्ट्स में, इन्हीं में ही हम थ्री पार्ट्स में बन बनाएंगे। ये देखो गाइस हमने थ्री सेक्शन कर दिए। देन थ्री सेक्शन करने के बाद हम फर्स्ट वाले सेक्शन को लेंगे, देन इसमें क्या करेंगे, ब्रेड बनाएंगे। इसमें ब्रेड बनानी है हमें, डच ब्रेड बनानी है हमें, नॉर्मल ब्रेड नहीं बनानी, फ्रेंच ब्रेड नहीं बनानी, उसमें हमें डच ब्रेड बनानी है। ये देखिए गाइस, हमेशा फ्रेंच ब्रेड में सीधे सेक्शन होते हैं और जो हमारी डच ब्रेड होती है उसमें उल्टे सेक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना, तभी हमारा ऊपर की तरफ बाउंस उठ के आता है। ये मान लो कि फ्रेंच की उल्टी है ये ब्रेड। अब गाइज हम क्या करेंगे, ब्रेड बनाते हुए चले जाएंगे और इसके ब्रेड के साथ साथ ये जो पेटल्स हैं हमारे इसको साथ साथ निकालते हुए चले जाएंगे, बिकॉज़ हमने अगर बाद में निकालेंगे तो पेटल्स टाइट हो जाते हैं, सो फिर वो मैसी हो जाते हैं, तो इसलिए हम ब्रेड बनाते चले जाएंगे और साथ साथ पेटल्स पर निकालते हुए चले जाएंगे। अब गाइज जहाँ तक हमें पेटल्स निकालना है देन वहाँ तक निकालेंगे, देन उसके बाद हमें क्या करेंगे, रबड़ बैंड से इसको लॉक कर देंगे हम। गाइज अब हम आ गए सेकेंड सेक्शन पर। सेकेंड सेक्शन में भी यही सेम टेक्निक फॉलो करनी है हमने, जो हमने फर्स्ट वाले सेक्शन में की है, इसमें भी हम वही सेम टेक्निक, थ्री सेक्शन में इसको डिवाइड करेंगे, देन इसमें डच ब्रेड बनाएंगे, नीचे तक बनाएंगे जहाँ तक एंड्स ना आ जाए, देन उसको बनाने के बाद रबड़ से इसको भी लॉक कर देंगे। सेम आपको यही टेक्निक फॉलो करनी है। अगर गाइज आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, यूज़र नेम है सैम हेयर स्टाइल्स ऑफिशियल, और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए जाके हमें फॉलो कीजिए, अपना प्यार दिखाइए। अगर आपको किसी भी हेयर स्टाइल में कोई भी प्रॉब्लम लगती है आप हमें उस हेयर स्टाइल की फ़ोटो शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, हम आपके के लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे उस वाले हेयर स्टाइल की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो हमें प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पर, यूज़र नेम है सैम हेयर स्टाइल्स ऑफिशियल। ये गाइस हमारा सेकंड सेक्शन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, देन इसमें भी क्या करेंगे हम, इसको भी रबर बैंड से टाइटली लॉक कर देंगे, ये हमने टाइटली लॉक कर दिया। अब गाइस हमारे थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में यही सेम टेक्निक फॉलो करनी है। सबसे पहले हमने कॉम करना है, देन नीड करेंगे उसको अच्छे से। नीड करने के बाद इसमें से क्या करना है गाइस, हमें थ्री पार्टीशन में सेक्शन को डिवाइड करना है, तीन लेयर में पार्टीशन को डिवाइड करेंगे। देन उसके बाद क्या करना है, इसमें हमें डच ब्रेड बनाएंगे, डच ब्रेड नीचे तक बनाएंगे ताकि जो जहाँ तक हमारे एंड्स ना आ जाए, एंड्स आने के बाद हम नहीं बनाएंगे बिकॉज़ वो बहुत पतले हो जाते हैं और डच ब्रेड की लुक नहीं आएगी, तो जहाँ तक हमारे बाल हैवी हैं तो वहीं तक ही बनाएंगे हम डच ब्रेड। कोई भी ब्रेड हुई तो आप वहीं तक ही बनाओगे,
ज़्यादा जितने एंड्स आ जाएंगे वहाँ तक नहीं बनाओगे, क्योंकि एंड्स बहुत पतले होते हैं और हमारी जो ब्रेड अगर नीचे तक बनाओगे तो बहुत ही ड्राई लगते हैं हमारे हेयर। ये गाइस हमारी हो चुकी है, साथ साथ पेटल्स निकालते चले जाते हैं हम इसके, ताकि यार ईजिली निकल जाए इसके पेटल्स। अब गाइस ये हो चुकी है, देन इसके बाद क्या करेंगे, इसमें भी रबड़ बैंड से इसको लॉक कर देंगे। ये देखिए गाइस हमने इसमें भी रबड़ बैंड लगा दिया है, हमारी देखो गाइस तीनों हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमारी डोनेट है इसको हम कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम इसको होल्ड करेंगे, ये हमने होल्ड किया, देन उस वाली सेक्शन उसको भी होल्ड करेंगे। अब सेंटर वाली सेक्शन को लेंगे, देन इसको हम पिनअप करेंगे। ये देखो गाइस होल्ड करते हुए चले जाएंगे इसको, एक एक सेक्शन को पूरा कवर अप करना है हमने इसी थ्री सेक्शन से पूरी डोनट को। और गाइस ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास ब्लोंड हेयर है, अगर आपके पास ब्लैक डोनट है, तो उसमें तो और ज़्यादा केयरफुली से आपको कवर अप करना पड़ेगा, बिकॉज़ आपकी नहीं तो डोनट विजिबल होगी। या तो आप वाइट वाले डोनट यूज़ कर सकते हो अगर ब्लोंड हेयर है तो। ये देख गाइस हमारा सेकंड सेक्शन में भी इसको भी हम कवर अप करेंगे, जूड़ा पिन से लगाते हुए चले जाएंगे। स्प्रे कर सकते हो आप साथ साथ, ताकि आपका सेक्शन लॉक हो जाए वहीं के वहीं। ये देख गाइस हमारा दोनों सेक्शन हो चुके हैं। अब गाइस हमारा थर्ड सेक्शन की, ये गाइस इस थर्ड सेक्शन को भी कवर अप करेंगे अच्छे से, डोनट को साइड से भी कवर अप करेंगे। ध्यान रखना है आपने गाइस, कहीं से आपकी जो डोनट है विजिबल ना हो। ये देखिए, अगर गाइस आप लोगों के पास वाइट रबड़ बैंड हो तो आप वो वाला यूज़ कीजिएगा, ट्रांसपेरेंट रबड़ बैंड होता है, मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने ये वाले रबड़ बैंड यूज़ किए थे, अगर आपके पास हो तो वो वाले यूज़ करना। ये देखिए गाइस हमारा ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये देखिए गाइस कैसा लगा आपको, प्लीज़ कमेंट्स करके जरूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए गाइस, ओके, बाय बाय।